हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इज मर्चेंट नेवी सेफ फॉर वुमेन? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जनरली पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि हमारी बेटी जहाज पे जा रही है, परेशान तो नहीं होगी, सेफ है कि नहीं है। आज की डेट में मर्चेंट नेवी में जेंडर इक्वालिटी का भूत चढ़ा हुआ है कि भैया लड़कियों को लो, लड़कियों को लो, जेंडर डाइवर्सिटी करो, सिर्फ मेल डोमिनेटेड मत रखो। आर्मी में लिया जा रहा है, एयरफोर्स में लिया जा रहा है, मर्चेंट नेवी में लिया जा रहा है। तो बट आज की डेट में इट इज 10 टाइम्स इजियर टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, फॉर अ गर्ल टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी देन इट वॉज 10 ईयर्स और 15 ईयर्स बैक। जो पहली लेडी गई होंगी मर्चेंट नेवी में मरीन इंजीनियरिंग करने के लिए, सोनाली बनर्जी, उनके ऊपर कितने सारे चैलेंजेस रहे होंगे। कैप्टन राधिका मेनन आज कैप्टन है, एंड देर आर सो मेनी मोर जो कि आज के डेट में इन यंग वुमेन सी फिल्म्स को बताने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं, एंड देयर इज सो मच हैपनिंग। पहले ऐसा नहीं था। वो जो सरवाइव कर गई तो आपकी जर्नी तो आसानी है, बट एक चीज है, अगर आप मर्चेंट सरवाइव कर जाती हैं एज अ वुमेन सी फेयर, जो रिकॉग्निशन आपको मिलता है, जो फेम मिलता है, जो आगे आकर चल के आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, दे आर गोइंग टू बी जस्ट फिनोमिनल। बजाय कि भीड़ का पार्ट बनने के, जहां पर आईटी सेक्टर में हर लड़की जा रही है, बिकॉज इट इज समथिंग नॉट डिफरेंट, सब कर रहे हैं, भीड़ से बाहर निकल के करना इस चैलेंज, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करना इस चैलेंज, और वहीं पर आपकी जीत, आपकी ग्रोथ, आपकी कामयाबी सब कुछ छिपी है। सड़क पे आप जाएंगे तो कोई एक आदमी अनपढ़, सारे लोग चलते हैं, कोई ल्यूट कमेंट पास कर सकता है, कोई सीटी मार सकता है, कोई आंख मार सकता है, आज भी होता है और आप रोक नहीं सकते। लेकिन जहाज के ऊपर आपको क्वालिफाइड क्राउड, पढ़े लिखे लोग, सब चीजें मिलेंगी। तो चांसेस ऑफ यू बीइंग हैरेस्ड ऑन शिप आर मच लेसर ऑन शिप देन ऑन लैंड ओवर हियर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जहाज पे हैरेसमेंट नहीं होता, होता है, बट आप उसको कैसे हैंडल करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो सीखना है। क्योंकि हैरेसमेंट तो भाई सड़क पे चलते भी होता है, हैरेसमेंट तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होता है, हैरेसमेंट तो भैया जहाज पे भी हो सकता है। How to handle, that should be the idea, not to stay away. क्योंकि अगर एटीट्यूड सही है तो आज नहीं तो कल जब भी फेस करोगे, बैंग ऑन जय माता दी, घूसा मार के जवाब दोगे। लेकिन अगर एटीट्यूड सही नहीं है तो डर के रह जाओगे, चुप होके रह जाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे। बट yes, any grievances by a female seafarer on board ship are taken very, very seriously, very, very seriously. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर सेफ, जस्ट गो विद द एटीट्यूड टू बी अ विनर आउट देयर एंड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। टेक केयर, बाय।